अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्मार्ट कॉलेज भक्कर से आज लेक्चर 4 दिया जा रहा है सेकंड ईयर की इंग्लिश से मुतालिक। आज हम ईडियम्स 41 से 50 पढ़ेंगे और करेक्शन के रूल्स 13 से 15 इस लेक्चर में दिए जाएंगे। हु एड क्राई एहतजाज, शी रेज्ड ए हु एड क्राई अगेंस्ट हर फाइन, उसने अपने जुर्माने के खिलाफ एहतजाज किया। इन ए फिक्स, उलझन में होना, ही इज़ इन ए फिक्स एंड कैन नॉट डिसाइड वट टू डू नाउ, वो एक उलझन में है और फैसला नहीं कर पा रहा कि उसे अब क्या करना चाहिए। इन द लॉन्ग रन, बिल आखिर या आखिर कार, वी शेल सक्सीड इन द लॉन्ग रन, बिल आखिर हम कामयाब हो जाएंगे। आयरन विल, मजबूत इरादा, आहनी आज़म, शी हैज़ एन आयरन विल टू फेस द चैलेंज, उसके पास किसी भी चैलेंज को सामना करने का मजबूत इरादा है। कीप अप अपीयरेंसेज, यानी वज़ादारी कायम रखना, लो पेड ऑफिशियल्स कैन नॉट कीप अपीयरेंसेज, कीप अप अपीयरेंसेज के कम आमदनी वाले लोग वज़ादारी कायम नहीं रख सकते। लाफिंग स्टॉक, यानी जिस पे हंसा जाए, निशाने तज़हीक, दिस गर्ल इज़ अ लाफिंग स्टॉक इन द क्लास, के ये लड़की क्लास में लाफिंग स्टॉक है, निशाने तज़हीक है, हर किसी के लिए मजाक का निशाना है। लीव इन द लर्च, मुसीबत में साथ छोड़ जाना, फेयर वेदर फ्रेंड्स लीव इन द लर्च के मतलबी दोस्त मुसीबत में साथ छोड़ जाते हैं। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर ना छोड़ना, असलम लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू गेट स्कॉलरशिप, कि असलम ने वजीफ़ा हासिल करने के लिए कोई कसर ना छोड़ी, कोई पत्थर ऐसा नहीं था जिसको उल्टा न कर दिया गया हो, मतलब कि इंतहाई कोशिश करना किसी चीज़ को तलाश करने की। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, के राज अफशा होने देना, लेट अस हाइड दिस फ्रॉम देम, आओ ये बात उनसे छुपा लें, दे में लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, हो सकता है वो हमारा राज फाश कर दें। अलायंस शेयर, यानी बहुत बड़ा हिस्सा, अली टुक ए लायंस शेयर ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी। आगे बेटा हमारी करेक्शन की बारी आती है। हाँ जी, करेक्शन में हमारे पास रूल्स हैं 13, 14 और 15। आसान तरीन रूल हैं आज के, दिस मैन इज सीनियर दैन दैट। कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम अक्सर दैन लगाते हैं जब किसी का कंपेयर कर रहे हों, जैसे ही इज टॉलर दैन आई। लेकिन ये चार अल्फाज इंग्लिश में, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इनके साथ दैन की बजाय टू लगाते हैं, दैन की बजाय टू लगाते हैं, दैन नहीं लगाते कंपैरेटिव में, यानी दिस मैन इज सीनियर टू दैट, योर सन इज जूनियर टू माइन। तो इस तरह आप इनका, यानी दैन की बजाय टू लगाकर तसही करते हैं। आगे है जी, मैनी सोल्जियर्स लॉस्ट देयर लाइफ इन द वॉर। मैनी और मैनी एक का डिफरेंस सीख लें। बहुत सी लड़कियां खेल रही हैं, अब हम इसका तर्जमा करते हैं, मैनी गर्ल्स आर प्लेइंग, मैनी गर्ल्स आर प्लेइंग, हम ये तर्जमा करते हैं। मैनी फिर गर्ल्स जमा, आर जमा के लिए आर प्लेइंग, लेकिन जब मैनी ए लगाओगे तो हर चीज आगे वाहिद हो जाएगी। मैनी ए गर्ल, गर्ल्स नहीं, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग नहीं, यानी मैनी गर्ल्स आर प्लेइंग और मैनी ए गर्ल इज प्लेइंग, ये डिफरेंस आपने रखना है कि मैनी के साथ हर चीज जमा, मैनी ए के साथ हर चीज वाहिद। अब ये जुमले आपके सामने हैं, मैनी सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइफ इन द वॉर, मैनी सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइव्स, लाइफ की जगह लाइव्स जमा कर देना है, इन द वॉर। मैनी ए सोल्जर, मैनी ए सोल्जर वाहिद करना है, लॉस्ट हिज लाइफ,
हिज वाइफ कर देना है देयर की बजाय लाइफ्स की जगह लाइफ। मैनी ए सोल्जर लॉस्ट हिज लाइफ इन द वॉर। तो मैनी के साथ हर चीज़ जमा, मैनी ए के साथ हर चीज़ वाहिद। तर्जमा वही होता है कि बहुत से फौजी जंग में अपनी जाने गंवा, बहुत से फौजियों ने अपनी जंग में अपनी जाने गंवा दी। लाहौर इज लार्जर दैन एनी सिटी इन द पंजाब। लाहौर इज लार्जर दैन एनी अदर सिटी इन द पंजाब। दैन के बाद अगर एनी आए तो अदर भी ज़रूर लगाए। एनी जो है आमतौर पे आइदर होता है दो के लिए, एनी होता है दो से ज़्यादा के लिए। जब हम एनी का लफ्ज़ लगाएंगे तो एक लाहौर और 35 ज़िले और मुराद हो जाएगा, जबकि 35 ज़िले और नहीं, कोई एक और शहर, एक और लेना है, ज़्यादा नहीं लेने। लाहौर इज लार्जर दैन एनी अदर, यानी एक लाहौर और एक और, ठीक है जी। एनी अदर, तो एनी के बाद अदर लगाओगे तो कंपैरेटिव बनेगा, वरना तो फिर ये सुपरलेटिव बन जाएगा कि लाहौर इज द लार्जेस्ट सिटी इन द पंजाब। फिर तो वो हमें ये डिग्री इस्तेमाल करनी चाहिए अगर दो से ज़्यादा की बात है तो। नहीं, हमने एक लाहौर, एक कोई और शहर लेना है, इसलिए दैन के बाद आपको अदर लगाना पड़े, एनी के बाद अदर लगाना पड़ेगा। इकबाल इज ग्रेटर दैन एनी पोएट, नहीं, दैन एनी अदर पोएट इन पाकिस्तान। एनी पोएट लगाते हैं तो पूरे पाकिस्तान के सारे शोरा के साथ मुकाबला हो जाएगा। फिर हमें यूँ करना चाहिए कि इकबाल इज द ग्रेटेस्ट पोएट इन पाकिस्तान, फिर हमें इस तरह लगाना पड़ेगा। तो ये है बेटा आज के 13 से 15 आपके रूल्स जो कि आज आपने ये सीखे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर की उम्मीद रखें और हमारे लिए दुआ करते रहें।